नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिशा बिष्ट। तीन कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन का आज 50वां दिन है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी उन्हें रास नहीं आ रहा। इसी कारण फसलों के तैयार होने पर मनाया जाने वाला त्योहार लोहड़ी बेरंग रहा। पिछली रात जब हमारी संवाददाता मीनाक्षी किसानों के बीच पहुंची तो वहां ना भांगड़ा का उल्लास दिखा और ना ही गिद्दा की मिठास। था तो सिर्फ नाराजगी और गुस्से का एहसास, जिसे उन्होंने तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर प्रकट किया। कोविड के साए से गुजरा पिछला साल चुनौतियों से भरा रहा। अब नए साल से लोगों को बहुत से उम्मीदें हैं। पिछले साल कोरोना ने देश विदेश में सभी को बेहाल किया, अर्थव्यवस्था पर भी भारी मार पड़ी। वहीं कोरोना के कारण सभी त्योहार भी फीके रहे, मगर अब नए साल के साथ ही त्योहारों का मौसम भी शुरू हो गया है। साल का पहला और प्रमुख त्योहार मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति से एक दिन पहले उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब, हरियाणा और पड़ोसी राज्यों में बड़े धूमधाम से लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। किसानों के लिए तो ये खासकर खुशी से भरा दिन होता है। फसल काटकर घर लाई जाती है और अग्नि देवता को समर्पित की जाती है। विडंबना ये है कि खुशहाली और समृद्धि के इस त्योहार पर किसान मायूस है। लोहड़ी पर ऐसा गमगीन माहौल शायद ही कभी देखने को मिला हो। खुशहाली के पर्व पर किसानों के चेहरे पर मुस्कान की जगह चिंता की लकीरें नजर आ रही हैं। मायूसी का सबब है कृषि कानून, जिसके विरोध में महीने भर से ज्यादा वक्त से किसान दिल्ली के बॉर्डर पर हाईवे और सड़कों पर धरना दे रहे हैं। कड़ाके की ठंड में किसान अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोहड़ी पर प्रदर्शनकारियों के बीच एपीएन पहुंचा और उनसे खास बातचीत की। तो देखिए, पिछला साल चुनौतियों से भरा रहा। एक तरफ कोरोना की चुनौती तो दूसरी तरफ कोरोना के कारण साल भर के त्योहार फीके रहे। लेकिन क्योंकि नया साल शुरू हो गया है और नए साल से कई उम्मीदें हैं और नए साल के साथ ही जो साल के त्योहार हैं उनकी शुरुआत भी हो गई है। नए साल के प्रमुख त्योहारों में से एक है मकर संक्रांति और इसे साल का पहला त्योहार भी कहते हैं। ऐसे में मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है और आपको पता ही होगा कि पंजाब की बड़ी संख्या में किसान पंजाब के इस वक्त दिल्ली के तमाम सरहदों पर पिछले 50 दिनों से डटे हुए हैं। पिछले 50 दिनों से इनका संघर्ष यहाँ अपने हक के लिए जारी है और ऐसे में आज हम ऐसे ही एक बॉर्डर पर खड़े हैं, दिल्ली और एनसीआर के बीच पड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ मीनाक्षी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली और एनसीआर के बीच पड़ने वाले गाजीपुर बॉर्डर पर, जहाँ पिछले 50 दिनों से किसानों का प्रदर्शन जारी है, अपने हक की लड़ाई जारी है। मांग यही है कि जब तक तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा वो घर नहीं लौटेंगे। और ऐसे में आज यहाँ मौजूद किसानों से हम बात करेंगे, चलिए मेरे साथ। लोहड़ी के दिन लोग अग्नि के चारों ओर चक्कर काटते हुए नाचते गाते हैं और आग में रेवड़ी, मूंगफली, खील, मक्की के दानों की आहुति देते हैं। आग के चारों ओर बैठकर लोग आग सेकते हैं और रेवड़ी, मक्का, मूंगफली खाने का आनंद लेते हैं। जिस घर में नई शादी हुई हो या फिर बच्चा हुआ हो, उन्हें तो विशेष तौर पर बधाई दी जाती है और घर की महिलाएं तरह तरह के पकवान बनाती हैं, जिसका आनंद पूरा परिवार एक साथ बैठकर लेता है। इस लोहड़ी पर भी महिलाएं पकवान तो बना रही हैं, लेकिन साथ में बैठकर खाने के लिए परिवार नहीं है। बिल्कुल नहीं बना रहे लोहड़ी, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ अपना परिवार छोड़ के बैठी हुई हूँ, समर्थ दे रही हूँ, इनके साथ लगी हूँ मैं। मेरे सारे किसान भाइयों के साथ में हूँ मैं। यहाँ कोई लोहड़ी नहीं बन रही। लोहड़ी वो होती है जो पांच बंदे, पांच परिवार अपना इकट्ठा होता है। ये कोई लोहड़ी में लोहड़ी नहीं है, इसे लोहड़ी मत बोलो। ये तो सेवा भी नहीं है हमारी, कुछ नहीं है। ये तो हमने अपना बस हक जताना है। हमारा हक हमें चाहिए, बस दे दो, वो हमारी सबसे बड़ा गिफ्ट होगा लोहड़ी का। साल भी शुरू हो गया, लोहड़ी भी शुरू हो गई। मैं तो यही मानूंगी, जाना ही नहीं है मैनु घर, इतने रहना हैगा। मैं यही मांगूंगी, हक दो हमारा, जेड़ा हक है हक दे, पीछे लड़ रही है कि हक दे दो, मैं चली जाऊंगी, खुश होके जाऊंगी बस। विदेश की सरकारें जोर जबर करके राज करती थी, उनसे देश को मुक्त करा लिया गया, इस पब्लिक ने कराया। और आज उस चीज को ये घमंड में लेके मत चलें, इनको ये सोचना चाहिए हमारी पब्लिक दुखी है, परेशान है, हम इनकी बात सुने और इनका जो भी कहना है वो मान के बिल वापस लें और पब्लिक अपने घर जाके सोए। वरना उसके बाद अगर ये नहीं लेते हैं तो किसान नहीं जाएगा किसी हालत, चाहे 100 साल भी लड़ना पड़े, 100 साल भी लड़ते रहेंगे। काले कानून के खिलाफ जो दिन रात यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं पिछले 50 दिनों से, क्योंकि ये काले कानून किसान के बिल्कुल विरोधी हैं, ये आप भी जानते हैं। तो इसलिए हम स्पेशल लोहड़ी मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं, अपने भाइयों का साथ देने के लिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, जैसे सब में यूनिटी दिख रही है किसानों में इस काले कानून के खिलाफ जो मोदी सरकार लेके आई है।
तो अगर उन्हें हमारी ये मांगे मांगनी पड़ेगी, आज हमने उन्हें ये साबित कर दिया है, लोहड़ी मना के भी उन्हें बता दिया है कि ये काले कानून है। त्योहारों को लेकर बड़ों से ज्यादा घर के बच्चे उत्साहित रहते हैं और लोहड़ी के लिए तो कुछ दिन पहले से ही छोटे बच्चे लोहड़ी के गीत गाकर लोहड़ी के लिए लकड़ियां, मेवे, रेवड़ियां, मूंगफली इकट्ठा करने निकल जाते हैं। मगर इस बार बच्चों की लोहड़ी भी हर साल जैसी नहीं है। नए कृषि कानूनों पर रोक लगाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बावजूद दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान पिछले 49 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति को मान्यता नहीं दी और कहा कि वे समिति के सामने पेश नहीं होंगे और अपना आंदोलन जारी रखेंगे। इसी सिलसिले में आज लोहड़ी के दिन किसानों ने तीनों कानूनों की कॉपी लोहड़ी की आग में जलाकर विरोध जताया है। देखो, सर्वोच्च अदालत है, संविधान का सम्मान करते हैं, हम सब देश के नागरिक हैं, कमेटी का भी सम्मान है, लेकिन कमेटी में कौन लोग हैं? वे लोग जो पहले से ही इनके पक्षधर रहे, जिन्होंने ये लोग ये कानून बनवाए, ये सारी चीजें हैं। देश के किसान सब समझता है क्या फैसला आने वाला है, क्या कमेटी निर्णय लेगी, ये हर तरीके से तैयार है। किसान किसान नहीं जाएगा, किसान बैठा हुआ है, किसान। अब सुप्रीम कोर्ट के बाद सबकी निगाहें 15 जनवरी को होने वाली सरकार और किसानों की बैठक पर टिकी है। किसान नेताओं ने कहा है कि वे 15 जनवरी को सरकार के साथ होने वाली बैठक में शामिल होंगे। ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि अगली बैठक में सरकार और किसानों में बात बनेगी और वो अपने पहले के जीवन में लौट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। कृषि कानून के विरोध में आंदोलन कर रहे नाराज किसानों के हौसले 50 दिन बाद भी बुलंद है। इसका गवाह है गाजीपुर में बना अस्थायी अस्पताल, ताकि ठंड और बीमारी से परेशान आंदोलनकारी साथियों को तत्काल चिकित्सा सुविधाएं मिल सके। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय कौल ने अस्पताल का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। हम गाजीपुर बॉर्डर पे हैं, जहां पे किसानों का आंदोलन चल रहा है और यहां पे एक हॉस्पिटल जो इनिशियल फर्स्ट एड के लिए बेसिकली रखा गया है, यहाँ पे 2 बेड हैं, जिनको अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई इमरजेंसी हो, तो उनके लिए यहाँ पे लाया जाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन की फैसिलिटी भी है, अगर किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो या कुछ हो, दवाइयाँ वगैरह भी है इनिशियल मेडिकेयर के लिए। तो हम अब बात करेंगे जो यहाँ पे आयोजक हैं। जी आप बताइए। जो हमारी अभी जो पहले टीम थी हमारी 36 डॉक्टरों की, हमारे इंदिरापुरम गुरुद्वारे में एक डिस्पेंसरी है, गोदानिक डिस्पेंसरी, वहाँ पे वो सब सेवा देते हैं कंटिन्यू। रोजाना हमारे पास 300 से लेकर 400 तक पेशेंट होता है वहाँ पे। उसके बाद जब हम यहाँ आ गए तो हमारे साथ ये जो डॉक्टर हैं नोएडा से और इधर उधर, ये सब हमारे साथ और डॉक्टर आके हम अपनी सेवाएँ देने लगे हैं। ये अपनी जो टीम है, ये अपनी टीम रात में भी दे रहे हैं और दिन में भी दे रहे हैं। हाँ जी, फ्री सेवा है, कोई डॉक्टर कोई चार्जिंग नहीं करता, हम भी किसी से कोई एक पैसा नहीं लेते, ये सब संस्था हमारी खालसा हेल्प इंटरनेशनल ही करती है। किसान से जुड़ा हूँ, बाकी जो फंडिंग की बात करते हैं, फंडिंग जब वो केरला में आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम था, उस टाइम इतने इतने चार चार फुट पानी में जो हमारे सिखों ने ऐसा लंगर चला दिया था कि दुनिया में नाम हो गया था, उस टाइम फंडिंग नहीं इनको याद आई भी कहाँ से फंडिंग आती है। बद्रीनाथ बह डेरी हो गया था, मंदिर बचा था, बाकी ऊपर से सारे होटल वगैरह जो अजाशी करते थे इनके लोग, वो सारा दलिया मेट हो गया था। उस टाइम सिखों ने लंगर लगाए थे, उस टाइम याद नहीं आया इनको ये फंडिंग कहाँ से आती है। और जब एक कोरोना आया, कोरोना के समय सिखों ने अपनी पगड़ियाँ फाड़ फाड़ के मास्क बना के दिए लोगों को, उस टाइम फंडिंग नहीं ज़्यादा आई। और मैं अपना 100 बेड का हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा जैसी जगह में चला रहा हूँ, तो जहाँ ज़्यादातर हमने देखा कि भाई किसान जो है देश का ऊपर कर दो हेलमेट कर, कि देश का अन्नदाता है वो ऐसे पड़ा हुआ है, तो हम लोग ऐसे ही देख के हमने ये बिल्कुल सेवा का मन बना लिया है और बड़े लंबे समय तक की सेवा ठान के हम यहाँ लोग आ गए। और मेरे पास कम से कम 40 डॉक्टरों की लिस्ट है, एम्स और अपोलो 40 अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों में जो जॉब कर रहे हैं, वो दो दो तीन तीन घंटे की यहाँ सेवा देने को तैयार हैं। आप भी जॉब करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी जॉब कर रहा हूँ और मैं अपना हॉस्पिटल भी हमारा चलाते हैं, वहाँ ना जाके हम यहाँ आके सेवा दे रहे हैं कि जिससे कि किसानों का भला हो। और ये जो लड़ाई है, जो मतलब देश के
किसान अन्नदाता की लड़ाई है, उसमें कुछ हमारी भागीदारी है। ज़्यादातर पेशेंट यहाँ गैस्ट्राइटिस के हैं और दूसरा नंबर पे आते हैं चेस्ट एंड कोल्ड एंड चेस्ट, तो उसके अलावा उल्टी, दस्त, बुखार, जुखाम, ये बहुत ज़्यादा चोट लग के भी आते हैं कुछ लोग। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट एड के लिए बेसिकली है, कोई इमरजेंसी वगैरह हो तो इमीडिएटली यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, और अगर कोई ज़्यादा बड़ी बात हो तो उनको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। अजय कौल, मैं गाजीपुर बॉर्डर से APN के लिए। और वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक में आपका स्वागत है। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में काफी संख्या में पूर्व सैनिक भी शामिल हैं। ये पूर्व सैनिक आंदोलनकारी साथियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। पूर्व सैनिकों का कहना है कि उन्होंने देश के लिए कई लड़ाइयां जीती हैं, किसानों के हित में ये लड़ाई भी जीतेंगे। पूर्व सैनिकों से बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजय कौल ने। हम गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हैं और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये आंदोलन किसानों का चल रहा है पिछले 49 डेज से, और यहाँ पे पूर्व सैनिक जिनको वेटरन्स बोला जाता है वो भी यहाँ बैठे हैं धरने पे, और इनसे हम पूछते हैं कि इनका ये क्यों धरने पे क्यों बैठे हैं, कि इनका क्या ग्रीवांस क्या है, इनकी क्या शिकायतें क्या हैं। हाँ, मुझे जो तीनों काले कानून जो खेती के बारे में लेकर आए हैं, जो अंडानी अंबानी कारपोरेट के घरानों के दबाव से जिन्होंने कोरोना महामारी की आड़ में उसको रातों रात बगैर बहस किए हुए, जो पार्लियामेंट में बहस किया हो तो सबके सामने हुआ जैसे जैसे हुआ, राज्यसभा में इनका बहुमत भी नहीं था, वहाँ हुल्लड़बाजी से इन लोगों ने पास किया है, जो लोकतंत्र के लिए डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल गलत है। हम जो इन्हीं के विरोध करने के लिए किसान आंदोलन में आए हैं। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। हमने 71 जीता, 74 जीता, करगिल जीता, अब देश को हमारी जरूरत है, क्योंकि जब वहां से चलते हैं तो हमको एक मैसेज दिया जाता है कि आप रिटायर्ड हो चुके हैं, जो जनहित का मुद्दा है, समाज हित का मुद्दा है, उन मुद्दों को लड़ना है। और आज जो भारत कृषि प्रधान देश है, 70% जनता गांव में निवास करती है, उनके ऊपर है आज उनको ये। हमें पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ऐसी क्या जरूरत थी, ऐसी कौन सी स्थितियां परिस्थितियां प्रकट हुई कि रात के अंधेरे में अध्यादेश लाना पड़ा। हम ये कहना चाहेंगे कि अभी सुप्रीम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगाई है, और इस पे रोक लगाई जाए, पूर्णतः रोक लगाई जाए, और उसके बाद ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव आएगा उसमें अपने मैनिफेस्टो में इसको शामिल करें कि हम ये तीन कृषि बिल बिना संशोधित ऐसे ही लेके आएंगे। MSP पे हम कानून नहीं बनाएंगे, MSP था, MSP है और MSP रहेगा। देश की जनता कह रहे MSP रहेगा। जी, तो यही अपने मैनिफेस्टो में लेके आए, और देश की जनता अगर इनको स्वीकारती है तो किसान भी इन कृषि बिल को स्वीकार करेगा। तो हम इसीलिए आए हैं यहाँ क्योंकि हमारा देश अंदर से ही खोखला हो रहा है, हमारा देश अंदर से खोखला हो रहा है, और हम उस खोखलेपन को बचाने के लिए आए हैं कि हम अंदर से भी देश को मजबूत करेंगे, राष्ट्र को मजबूत करेंगे, इन भ्रष्टाचारियों को हटाएंगे, इन चोरों को हटाएंगे और नया राष्ट्र का निर्माण करेंगे जिसमें कि सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, व्यवस्था परिवर्तन होगा, और जो है दोबारा ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनेगा यहाँ। जी, हम पहले भी किसान थे, फिर फौज में गए, अब फिर किसान हैं, और किसान हमारा बाप है, और सरकार हमारे बाप को दिल्ली के चारों ओर कड़कड़ाती ठंड में बैठा के, और
हमारा मनोबल, जो हमारे बेटे हैं जो बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं जी, तो वापस ले ले बिल, हम चले जाएंगे उसी टाइम। जो सरकार ने ये बिल, सरकार बिल लेके आई है, ये 5 जून को संसद में भले ही पारित हुआ है, लेकिन 2 साल पहले इसकी पूरी प्लानिंग अडानी के ऑफिस में बन चुकी है। 1000 अनाज भंडारण देश में खुल चुके जी, इसका प्रूफ है। इसका प्रूफ ये है कि आप पानीपत में 100 एकड़ जमीन खरीदी हुई है, 40% काम खत्म हो चुका है वहां पे। मोगा में देखो आप, रांची में देखो आप, देश के अंदर 1000 अनाज भंडारण सैलो जो जिसको बोलते हैं, वो उनका निर्माण चल रहा है अभी। तो ये कोई 1-2 मिनट का काम नहीं है सर, ये पूरी प्लानिंग के साथ में उन्होंने किया है। हम मानते हैं कि सभी लोग आते हैं यहाँ आगे संबोधन करते हैं, हर एक केरला से आते हैं, मध्य प्रदेश आते हैं, कर्नाटक से आते हैं, कलकत्ता से आते हैं, अब मुंबई से आके यहाँ संबोधन करता है करा है उन्होंने, और फिर अपना आसाम से आकर उन्होंने संबोधन करे। हम तो कहते हैं पूरा देश आंदोलन में खड़ा है। अभी तो देखो सरकार ने, इस मीडिया ने आंदोलन शुरू ही कहाँ करने दिया। अभी तक तो इस आंदोलन के अंदर में जो हमारे जो लोग जुड़े हैं, इनको सिर्फ बदनाम किया गया है, और इनको बदनामी, आंदोलन तो दिखाया नहीं गया। आंदोलन तो अभी शुरू होगा जब ये 3 काले कानून वापस रद्द होंगे, आंदोलन तो उसके बाद में शुरू होगा। उसके बाद क्या आंदोलन होगा? उसके अंदर में तो सर जैसे ये दिल्ली चलो वाला नारा है ना, ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तो अब तो दिल्ली चलो वाला नारा के साथ में दिल्ली के चारों ओर, और भगत सिंह के दीवाने बैठे हैं ये, वो तो चारों ओर तो बैठे ही हैं, नहीं देंगे। भगत सिंह का एक आखिरी वर्ड मैं आपको सुनाता, 2 लाइन के अंदर में, उनके फांसी के पंदे पे तख्त पे खड़ा होकर उन्होंने एक ही घोषणा की थी, बोला अंग्रेज की जड़ें हिल चुकी है, 10-15 साल में चले जाएंगे, देश आजाद हो जाएगा लेकिन जनता को कोई लाभ नहीं होगा। काफी साल अपरा तपरी के अंदर में बीतेगी, उसके बाद में लोगों को मेरी याद आएगी। तब जोर से बोला था उसने, इनकलाब जिंदाबाद, बोला व्हाट इज दिस इनकलाब, बोला मेरे लहू से एक दिन दुनिया में इनकलाब आएगा। तो अभी तो मतलब उसका खून ही खड़ा हुआ है उसके। उस दिन शुभ दिन मनाएंगे, अपने लिए मनाएंगे कि वो काले कानून वापस लड़े, तब नहीं मनाएंगे, नहीं तो मनाएंगे पक्का। हर हाल में शुभ तो जरूर तो नहीं है, पर लेकिन शुभ तो कराया जाएगा, वो सरकार जाने उसके लिए, उसके लिए सरकार जिम्मेवार है। क्या ये शोभा देता है कि उस दिन देगा? उस दिन शोभा दुनिया देखेगी, वर्ल्ड देखेगा उस दिन। देश जवानों किसानों का है, कोई नेता और ऑफिसरों का नहीं है। जो ये नेता उधर अय्यास नेता वहाँ बैठ के देखते हैं, उनके लिए नहीं है, ये देश है जवानों का, किसानों का। और जवान किसान एक साइड में टैंक चलेंगे, एक साइड में ट्रैक्टर चलेगा, तो कितना अच्छा लगेगा, पूरा देश देखेगा, पूरा वर्ल्ड देखेगा। तो ये चीज सरकार को इसके लिए राजी होना चाहिए, मंजूरी देनी चाहिए सरकार को जी। जैसे आप देख रहे हैं कि वेटरन जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, पूरा अपना जोश शोर में है, बैठे हैं और कह रहे हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक ये यहाँ से हिलेंगे नहीं, और 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली आयोजित की गई है उसको निकाल के ही रहेंगे। अजय कॉल फॉर APN न्यूज़। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन में महिलाओं और बच्चों की मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं, पर दोनों ही अब आंदोलन में अपनी आवाज जोड़ रहे हैं। हमारे संवाददाता संभव ने गाजीपुर बॉर्डर पर बच्चों से बातचीत की, साथ ही किसानों के रहने के लिए बनाए गए टेंट का भी जायजा लिया। देखिए रिपोर्ट। हम इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज लोहड़ी का दिन है, और इस उपलक्ष्य में यहाँ पर मूंगफलियाँ बट रही हैं। यहाँ पर पूरा माहौल है जहाँ पर कुछ लोग मूंगफलियाँ बांट रहे हैं, और यहीं इसी बीच हमारे साथ कुछ बच्चे मौजूद हैं, और इन बच्चों से जानेंगे इस किसान आंदोलन में उनकी क्या भूमिका है और वो क्या समझते हैं किसान आंदोलन के बारे में। आप अभी कहाँ पर खड़े हैं और इस बारे में आप क्या जानते हैं? मैं अभी गाजीपुर बॉर्डर पे खड़ा हूँ। मैं गाजीपुर बॉर्डर के बारे में एक चीज जानता हूँ कि किसान आंदोलन के बारे में, किसान आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे आपने बाकी आंदोलन देखे होंगे उनमें क्या होता है, मारपीट होती है, पत्थर होते हैं, बहुत नुकसान होता है, पर यहाँ आप किसी से भी पूछ लीजिए, किसी भी व्यापारी से, उनका एक भी नुकसान हुआ। ये 3 काले कानून की वजह से ये आंदोलन बढ़ा है, और अगर 3 काले कानून ना होता, अगर अगर हम किसानों को MSP मिल जाती तब ये किसान आंदोलन ना होता, क्योंकि मोदी किसानों की जमीनों पे
नजर बैठकर था और उसे अंबानी अडानी को बेचना चाहता था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन बहुत अच्छा है, हमें ऐसी मोदी के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि मोदी हम किसानों के साथ बहुत बुरा कर रहा है, इसलिए हमें उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि वो हमारी जमीन हड़पना चाहता है। और यहाँ पर एक स्पेशल तरह के टेंट्स लगाए गए हैं बारिश और ठंड से बचने के लिए, सभी वाटरप्रूफ टेंट्स हैं यहाँ पर, लगभग ये 200 से 300 टेंट्स हैं और हर एक टेंट की कीमत लगभग 10-12 हज़ार बताई जा रही है। देखिए हम अब इस वक्त एक टेंट के अंदर जाते हुए, एक टेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ किसान बैठे हुए हैं, हम इनसे आपका परिचय कराते हैं। यहाँ ये लगभग कितने टेंट्स हैं इस तरह के? 100-150 के आसपास है। 100-150 टेंट्स के आसपास हैं। बड़े 100-150 हैं, छोटे हैं 100-150 छोटे हैं, मतलब कुल मिला के 300 टेंट्स के आसपास यहाँ पर टेंट्स लगे हुए हैं खाली, ऐसे छोटे। अच्छा अच्छा, जैसे अभी हमने देखा पिछले हफ्ते में बरसात हुई बहुत तेजी से, तो उससे ये टेंट्स ने किस तरह से बचाव किया? ये वाटरप्रूफ टेंट है भाई साहब, ये इसमें पानी नहीं घुस सकता, पानी से नहीं आ सकता, थले भी अपन नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे कंबल गद्दे वैसे वैसे पड़े हुए हैं, सब सूखा रहा, कोई इतनी बरसात हुई एक बूंद पानी की नहीं आई, सब अच्छा है। आप टेंट की व्यवस्था ऐसा कुछ तो टेंट हमारे जो सेवादार हैं, कोई गुरुद्वारों के जैसे कमेटियां बनी हुई हैं उन्होंने कुछ सेवा की है, कुछ अपने किसान भाई बड़े लोग हैं उन्होंने भी कुछ सेवा कर रखी है, जैसे किसी ने 30 लगवाया, जैसे जैसे किसी की हिम्मत है ऐसे करके लगवा रहे हैं सब अपनी कमेटी। जो बड़े टेंट है अपने बाजपुर के हैं, विक्रम जसविंदर सिंह गिल उनके बेटे हैं, विक्रमजीत सिंह गिल, उन्होंने लगवाए हैं ये। किन्ने उन्हें थी, किन्ने? उनके ही हैं, करीब 100 के आसपास, किसी ने उनको देख के फिर छोटे ले आए, कुछ किसी ने फिर बड़े दे दिए, उनको एक दूसरे को देख देख के फिर सभी एक दूसरे की मदद करने लगे। किसान तो घर से ज्यादा खुशी मना रहे हैं, देखो हमारे सरदारों में ज्यादा क्या है, ये मूंगफली रेवड़ी बच्चे खाते हैं खुशी मनाते हैं, एक वो खिचड़ी खाते हैं जो बनाते हैं, तो वो यहाँ देखो हर चीज पूरी सुधर, कोई किसी चीज की चिंता ही नहीं है। अच्छा, अच्छा। और ज्यादा खुशी से लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कह रहे हैं अरे आर पार करके जाएंगे नहीं ऐसे। अच्छा। इतना खुशी लोग बैठे हैं, जोश आ रहा है कि यहाँ से जाएं तब हमारा मसला हल होए, नहीं तो खाली नहीं जाएंगे यहाँ से, भले 6 महीने लग जाएं। अगर मोदी जी थोड़े दिनों तक अंदर 26 जनवरी से पहले अब हमारी डिमांड पूरी कर देंगे ठीक है, नहीं तो हम 26 जनवरी को दिल्ली पे चढ़ाई कर देंगे, दिल्ली पे हल्ला बोल देंगे, हम एंट्री करेंगे, चाहे हम लाल किला जाएं चाहे संसद भवन जाएं, हम जाएंगे जरूर अगर हमारी ना सुनवाई हुई तो, बस यही कहना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर ये किसान अपना मैसेज देते हुए सरकार को, और आप जैसा कि देख सकते हैं स्पेशल टेंट्स में यहाँ पर व्यवस्था है, अरेंजमेंट्स हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। मैं अपने कैमरा पर्सन के साथ संभव शर्मा, APN। और इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।